अब खबरें विस्तार से। सोनारी थाना क्षेत्र के सेवेंथ एक्सटेंशन के पास गत 7 सितंबर को हुई गोली चालन की घटना में पुलिस ने अग्नियास्त्र के साथ 6 बदमाशों को पकड़ा है, जिनमें से 4 नाबालिग हैं। सोनारी थाना अंतर्गत रोड नंबर 7 एक्सटेंशन के पास गत 7 सितंबर को आशीष सिंह सरदार नामक युवक पर गोली चालन की घटना हुई थी। हालांकि आशीष बाल बाल बच गया था। इस संबंध में पुलिस ने एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और कारतूस के साथ निर्मल बस्ती के 6 बदमाशों को हिरासत में लिया है, इनमें से 4 नाबालिग हैं। डीएसपी डॉक्टर कैलाश कलमाड़ी ने बताया। सेवंथ एक्सटेंशन में रहने वाला आशीष सिंह सरदार को पर अज्ञात लोगों के द्वारा फायरिंग किया गया था, लेकिन उनके द्वारा जो है पहचान करके एफआईआर दर्ज कराया गया था, जिसमें नेम किया गया था 3 लोगों को, गुड्डू, सूरज और बौला, जिसका उद्भेदन जो है पुलिस के द्वारा अनुसंधान के क्रम में किया गया है। और उद्भेदन के क्रम में 3 सूरज महतो और बौला और संतोष गोप को गिरफ्तार किया गया है और 4 अन्य हैं जो नाबालिग हैं। इसमें जो मुख्य साजिशकर्ता या योजना बनाने वाला है वो सूरज महतो है। इसमें गिरफ्तारी के क्रम में, उद्भेदन के क्रम में जिस पिस्टल से फायरिंग किया गया था उस पिस्टल को बरामद किया गया है और एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। पेट्रोल डीजल के मूल्य आसमान छू रहे हैं। अगर 5 माह की बात करें तो इनके मूल्यों में 5 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। मजे की बात तो ये है कि कच्चे तेल का मूल्य आधी हो चुकी है। सरकार द्वारा डीजल पेट्रोल का निर्धारण पेट्रोलियम कंपनियों को सौंप दिया गया है। पहले 15 दिनों में मूल्य निर्धारण होता था, पर अब प्रतिदिन मूल्यांकन हो रहा है और पिछले 5 माह में 5 रुपए तक की वृद्धि कर दी गई है। फिलहाल डीजल 62 रुपए 19 पैसे और पेट्रोल 71 रुपए 72 पैसे शहर में बिक रहे हैं। आम जनता परेशान है और सरकार को कोस रही है, क्योंकि ईंधन में मूल्य वृद्धि से महंगाई का सीधा नाता है। शहर में कुल 56 पेट्रोल डीजल पंप हैं और डेली मूल्यांकन से डीलर भी काफी परेशान हैं। झारखंड पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के सचिव राजीव सिंह ने कहा कि जिस तरह कंपनियां टैक्स वसूल रही हैं, उससे कई पंप बंदी के कगार पर पहुंच गए हैं। मैं भाजपा सरकार से कहना चाहता हूं, इस तरह की जो बढ़ोतरी हो रही है, जब कच्चे तेल का दाम गिरा हुआ है, कांग्रेस शासन में कच्चे तेल का दाम इससे डबल रहने के बावजूद भी इतना दाम नहीं था। आज भाजपा सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी, रघुवर दास जी, झारखंड में जितना तेल का दाम है, डीजल का दाम है, उतना प्रतिशत टैक्स लगाया गया है। 36 रुपये डीजल का दाम आता है और 36 रुपये टैक्स पेट्रोल पर लगाया जा रहा है। ये कहाँ का मैंने जनता के साथ इंसाफ है कि 100 रुपये का 100 रुपया टैक्स लगा जाए। इसमें अराजकता फैली हुई है, महंगाई फैली हुई है, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय खत्म के कगार पर है। डीजल का अब तो प्राइस वॉर भी खत्म हो गया है, लोग जानते भी नहीं है, अब तो लोग पूछना ही बंद कर दिए। इसका ही फायदा लोग उठा रहे हैं कि पहले क्या था कि 15 दिन में लोग इंतजार करते थे या महीने में कोई इंतजार करते थे कि प्राइस बढ़ेगा तो पंप में देखेंगे भीड़ लगती होगी। एवरी डे रेट प्राइसिंग, डेली प्राइसिंग आने के बाद शायद ये जो डेली प्राइसिंग है इसका फायदा ही उठाया जा रहा है, जिसमें कि लोग बिना जाने बिना बचाने तेल भरा रहे हैं। तो मैं भी दोषी मानता हूं, क्योंकि सरकार ने ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट को बिल्कुल तेल कंपनी के हाथों में नहीं छोड़नी चाहिए थी। और दूसरी बात है कि ये चूंकि आम जनता से जुड़ा हुआ चीज़ है, प्रोडक्ट का कॉस्ट जुड़ा हुआ चीज़ है, पेट्रोल हो या डीजल, इसके आम कम्युनिटी की बात होती है। अगर सरकार का एक मानना है कि इसका रेट देश का कम होना चाहिए, तो अगर डीजल और पेट्रोल का प्राइस कम नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन कंट्रीब्यूट करता 40% प्राइसिंग पर, तो किस तरीके से हम महंगाई को कंट्रोल कर पाएंगे। पर्व त्योहारों के मद्देनजर जिले में विधि व्यवस्था बरकरार रखने और शांति और सद्भाव के लिए एडीएम सुबोध कुमार और सिटी एसपी प्रशांत आनंद ने सभी डीएसपी, सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिया। आप इसमें जो है, जो सक्षम अधिकारी है, ड्रग इंस्पेक्टर, पहले तो आप अपना फोन नंबर बताइए सभी को। 9359 55 तो नाम बताइए। अच्छा, एक और है ना, तीन लोग हैं। अच्छा, ये जिन्होंने नंबर दिया, और भी 2 ड्रग इस एरिया में जो यूथ जो है वो यूज कर रहे हैं, गत 25 अगस्त को साक्षी बाजार में
प्रशासन द्वारा वृहत रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए दर्जनों अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया था। इधर सभी दुकानदार अपनी दुकानों को फिर से बनाने में जुट गए हैं। गत 25 अगस्त को प्रशासन और जीएनएसी द्वारा साक्षी बाजार स्थित जलेबी लाइन में वृहत रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था और दो बुलडोजरों की मदद से दर्जनों दुकानों को नेस्त नाबूद कर दिया गया था। उनमें छोटे बड़े और ऐसी दुकानें भी थी जो वहां 50 वर्षों से थी। इधर दुकानदारों ने अपने उजड़ी दुकानों को फिर से बनाना आरंभ कर दिया है। कुछ दुकानदारों ने कर्ज में पैसे लेकर निर्माण कार्य आरंभ कर दिया है, मगर प्रशासन अब तक बेखबर है। न्यूज टाइम्स ने इन दुकानदारों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वे जाएंगे कहां, उनका परिवार इसी दुकान पर आश्रित है, उनकी रोटी इसी दुकान से चलती है। 26 टोटल यहाँ पर किनके द्वारा तोड़ा गया था? सरकार के यहाँ पर टाटा कंपनी और नोटिफाइड एरिया पर सरकार मिलकर दुकान यहाँ के सब तोड़ा गया है। तो अभी किसके आदेश से बना रहे हैं हम लोग? अभी बस ऐसे ही तहसीली बनाना पड़ा, रोजी रोटी जरूरत तहसीली बनाना पड़ा। जलेबी लेन 50 वर्ष से पहले से बसे हुए हैं, हमें अगर तोड़ा जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? ये सरकार निर्णय कर ले या कहीं हमें अस्थायी जगह दे दे, छोटा मोटा जिससे रोजगार हमारा। अभी कितना दुकान है यहाँ पे? यहाँ 24 से 25 दुकानें हैं। कौन तोड़ा था ये? इस सरकार के आदमी तोड़ के चले गए, नाम तो पता नहीं है मुझे, उपस्थित हुए हैं। अब कौन बना रहा दुकान, कौन बना रहा दुकान? तो हम लोग खुद स्वयं अपना पैसा से कर्जा लेके बना रहे हैं। उधर जीएनएसी के विशेष पदाधिकारी रंजन पांडे से पूछा गया तो उन्होंने दुकानें बनाए जाने की बात पर अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि यदि इलीगल है तो फिर टूटेगा। बना लिया गया कौन सा दुकान बन रहा है? उस पर फिर से उसको तोड़ा जाएगा, कार्रवाई होगा उसके ऊपर। कौन सा जगह? जो भी बना है अवैध रूप से उस पर फिर से कार्रवाई होगा। अभी वो लोग जो बना रहे वो भी अवैध है? वो अब कौन सा, आप किसका बोल रहे हैं? किसी का आदेश से नहीं बना रहा, जो भी अवैध निर्माण है, अवैध अतिक्रमण है, उसको अभियान के तहत तोड़ दिया जाएगा। लॉला स्कूल के नवनिर्मित प्रेक्षागृह फैंसी ऑडिटोरियम में अंतर हाउस नाट्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। लॉला स्कूल के हिंदी नाट्य क्लब द्वारा अंतर हाउस नाट्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की रचनाओं का नाट्य रूपांतरण बच्चों ने काफी खूबसूरती और कलात्मक रूप से पेश किया। क्लब है वो
हिंदी के उत्थान विकास के लिए वर्षों से काम कर रहा है और इसका एक जो वार्षिक उत्सव होता है समारोह जिसका नाम हमने सृजन दिया हुआ है। प्रत्येक वर्ष ये प्रेमचंद की उन समस्याओं को लेकर हम लोग किया करते थे जो बहुत प्रासंगिक हैं, परंतु बढ़ते हुए समय के साथ हम लोगों ने देखा कि विद्यार्थियों को हरिशंकर प्रसाई जी की जो व्यंग है, हमारे सुप्रसिद्ध साहित्यकार व्यंगकार, इनकी रचनाओं के जरिए मैं रिश्वतखोरी, प्रशासनिक अव्यवस्था जैसी ज्वलंत समस्याओं से जोड़ सकती हूँ और इसीलिए हमने हिंदी दिवस जो कल था उसको आज इस रूप में बनाया कि इनके जीवन को जीते हुए, भोला राम का जीव जो है उनको जीते हुए ये इस समस्या से उसकी जिंदगी को जिए और कल जब ये खुद प्रशासनिक अधिकारी बने या राजनीतिक नेता बने, जैसे आपने भेड़ और भेड़िए देखा, तो उसकी बारीकियों से परिचित।